नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब मंडे के लिए, मंडे मतलब 11th नवंबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इधर निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है। इधर देखिए, इधर ये कल बेयरिश हैमर पैटर्न का लाइक एक कैंडल स्टिक बना था। उसके बाद ये आज उसको कल का हाई तोड़ नहीं पाया। उसके बाद फिर से ये कल का हाई शायद थोड़ा सा मार्जिनली थोड़ा था, 10 पॉइंट ऊपर गया था। उसके बाद फिर से ये नीचे गिर आ गया है। तो ये अभी जो ये 38.8% का नीचे फिबोनाची लेवल 38.2% का नीचे गया है 950 तक, और ये 61.8% के ऊपर सपोर्ट लिया है। आप लोग देख सकते हैं इधर से मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया है, तो ये 61.8% में ये सपोर्ट लिया है। इसका थोड़ा सा मार्जिनल ब्रेक करके इधर 61.8% में क्लोज किया है। इसका नीचे आएगा तो ये 11,843 तक आ सकता है। उसके बाद 11,756-760 और 11,712 तक आ सकता है। उसके बाद ये पिवट पॉइंट 11,650 पे है, इसका 650 का आसपास है, तो इस इधर सपोर्ट लेने का सपोर्ट लेगा। तो उसके बाद फिर जाएगा तो फिर से ये 11,400-500 तक आ सकता है। 11,500 में भी इसका स्ट्रांग सपोर्ट रहता है। तो ये अभी थोड़ा सा रिटेस्ट कर रहा है। मैंने जो बोला था कि ये कंसोलिडेट करके या अप ट्रेंड इसका रहेगा 11,700 या 11,800 में ये सपोर्ट लेगा, और धीरे धीरे ये अप ट्रेंड ही रहेगा जब तक ना ये 11,800 या 11,700 नहीं तोड़ रहा है। और निफ्टी बैंक का जो मैंने बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ये इधर मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट लगाया है। ये आज ऊपर गया है, इसका अप ट्रेंड अभी भी जारी है। ये कल का जो लेवल था उसको तोड़ के और भी ऊपर गया, 31,000 थोड़ा है। मैंने कल बोला था कि 31,800 के ऊपर ये 31,000 के ऊपर जा सकता है, तो ये 31,000 ऊपर गया है। और इसके बाद ये अभी तक अभी 31,000 के ऊपर 31,400 या 31,500 तक ये ऊपर जा सकता है, और नीचे आने के लिए ये इसको रिटेस्ट करना पड़ेगा 30,737 के नीचे, उसके बाद 30,582, उसके बाद 30,427, उसके बाद 29,985, उसके बाद 29,595, उसके बाद 29,363 में इसका पिवट पॉइंट है। तो ये अभी ये थोड़ा सा कंसीडर करके ये ऊपर ही रहेगा, 30,500 का ऊपर लेवल रहता है, ऊपर ही रहेगा 30,500 के ऊपर, यही मेरा लगता है। और इसका ऑप्शन चेन मैं देखूंगा तो बैंक निफ्टी निफ्टी का मैंने बताया है। ये देखिए, इसका पीसीआर रेशियो 1.34 है, और इधर 31,000 में इसका रेजिस्टेंस है। इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ये क्लोज हुआ है 30,749 में। और इधर इधर थोड़ा सा अब शॉर्ट बिल्डअप, इधर थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप है, और इधर जो रेजिस्टेंस है उधर थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत ही कम है। मतलब थोड़ा सा इधर जो लोग लॉन्ग कर रहा था थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा है मार्केट का क्लोजिंग के टाइम, और इधर हैवी पुट साइड में इसका 30,500 में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। मतलब इधर